जिस तरह का सिनेमा आपने किया है, अक्टूबर की बात कर लूँ या मैं अलग अलग फिल्मों की बात करूँ, आप गुली नंबर वन करते हैं फिर अक्टूबर जैसी फिल्म करते हैं, एक अलग सेंसिटिव सिनेमा करते हैं, पठान को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है बायकॉट होने के बावजूद, क्या आप मानते हैं कि ऑडियंस कंटेंट इज अ किंग? आप कितना भी किसी फिल्म के बारे में गलत कह रहे हैं या किसी को बायकॉट, डू यू थिंक इट कम्स टू एन एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द बायकॉट गैग? आई थिंक एक्चुअली मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ इसके बारे में, हम क्यों दे इम्पोर्टेंस ऐसे चीज़ों को? अगर कुछ अच्छा कर रही है, लोगों को पसंद आ रही है, बस जाके देखो, खुश रहो, इसके ऊपर हमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. द कलेक्शंस आर स्पीकिंग अबाउट द रीच ऑफ इंडियन सिनेमा, ऑफ हिंदी सिनेमा, एंड व्हेन यू हैव द बिगेस्ट स्टार ऑफ दिस कंट्री, सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ दिस कंट्री आर इन पठान, वेदर शाहरुख सर, वेदर सलमान भाई, ऑल ऑफ देम कमिंग टुगेदर एंड गिविंग द ऑडियंस, दीपिका, जॉन, यू आर गिविंग द ऑडियंस व्हाट दे वांट एंड दैट्स एंटरटेनमेंट. बस यही है, प्यार का माहौल है, प्यार में रहो ना, बाहें ऐसे फैला के प्यार में रहो, प्यार बांटते चलिए. एंड ऑन दैट नोट लेडीज एंड जेंटलमैन, वी कम टू द एंड ऑफ दिस ब्रिलियंट ब्रिलियंट क्यू एंड ए.